उत्तर प्रदेश में वो चल रहा है क्या एग्ज़ाम, बहुत भीड़ थे उस दिन। कौन सी तारीख की बात है ये, शायद बोल रहा हूँ मैं, 17 तारीख की बात है शायद, हाँ 17 की बात है, 16-17 को। टिकट हमारा राजधानी से बना था, स्टेशन पहुँचे तो पहुँचने के बाद वो राजधानी लखनऊ से वाराणसी आती, इस बारे में मारूफ राय साहब ज़्यादा जानते हैं, वहाँ होके गुजरती। तो अब जिन बच्चों को ट्रेन नहीं मिली, विद्यार्थी थे वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, अब उन्होंने सोचा कि राजधानी हो कि कुछ भी हो, बुर्राक भी आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, घर जाना था, शाम का टाइम था, राजधानी आए कि कुछ भी आए। अब जो राजधानी के प्रॉपर जो ट्रैवलर थे, सवारी थे, हम लोग पीछे खड़े, हमने कहा कि ये बच्चे पागल हो गए क्या, ये राजधानी में कैसे जाएंगे, इसलिए कि वो भारत की सबसे, ये कहे कि प्रीफर्ड और सबसे बेस्ट कोई ट्रेन है तो राजधानी है, फिर शताब्दी, फिर जनशताब्दी, इन सब की बारी आती है। तो हमने कहा ये कैसे घुसेंगे इसमें, हमने कहा कि हो सकता गलत फहमी हो रही है, कुछ और ट्रेन समझ रहे हो। लेकिन जब ट्रेन आई जनाब, तो ट्रेन आने के बाद सब के सब घुस गए, घुस रहे हैं कि कोई राजधानी वाजधानी नहीं, स्टूडेंट के सामने, छात्र के सामने हम क्या बोलेंगे। अब जो गार्ड थे वो जल्दी से डंडा वंडा लेकर आए कि सर ये राजधानी है, आप लोग क्यों घुस रहे हैं, निकलिए। उसी में हम मौलाना साहब, मौलाना बनकर हम जब घुस रहे, हमको भी करे कि मौलाना कहाँ घुस रहे, ये राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी ट्रेन है ना, बुर्राक तो नहीं है ना, ये ट्रेन है। वो बोलता है कि आपका बर्थ नंबर क्या है। हमने कहा कि अच्छा, मौलाना समझ करके हमको टिरका रहा है। तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22। हमने इंग्लिश में उसको बताया, और इंग्लिश में अमेरिकन एक्सन वॉइस में बताया हमने। एक तो ये कि माई बर्थ नंबर इज 22 ऐसे बोलते हैं हमारे बिहार की या और हिंदुस्तान में, लेकिन जो एक्सन वॉइस सीखा हुआ होता है इंग्लिश में, चबा कर बोलते हैं इंग्लिश, जितनी चबा के बोलिए उतने अच्छे बोलने में लगते। हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22, वो कहा हाँ, मतलब उसको शायद समझ में नहीं आया कुछ, तो बोला अच्छा ठीक है जाइए। खैर हम चले गए, जाके बैठे, वो बेचारा आया, वो हंसने लगा। खैर वो आकर के वो बोला सर अच्छा यही बर्थ आपकी है। मैंने कहा यस यही मेरी बर्थ है। फिर तो बड़ी तवाज़ो से वो गार्ड जो रहते हैं, वो जो अटेंडेंट जो होते हैं, वो लोग आप पूरी तवाज़ो के साथ लाते हैं, पानी, चाय, खाना, सब कुछ। तो वही चीज़ है कि हम लोगों पर एक लेवल लगा दिया गया कि मौलाना साहब होगा तो समझ लेंगे कि कुछ भी नहीं जानते, मदरसे का पढ़ा लिखा होगा तो एकदम बिल्कुल टारगेट करेंगे, मीडिया वालों को कुछ नहीं मिलेगा, नूरानी कायदा के बच्चे के पास चले जाएंगे, बेटा बताओ देश कब आज़ाद हुआ, उसको पूछे कि तुमने जो इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, तुम बताओ कि गुस्ताखी जो गाप से के गैन से, मैंने भी बोला उससे भी पूछे, तुम बोलो कि तुम मीडिया वाले बताओ, मीडिया हिज्जे करो, मीडिया की क्या क्या है, हिज्जे करो। वो बोलेगा कि स्पेलिंग नहीं, हिज्जे करो, हिज्जे बोलते हैं इसको, हिज्जे करो, स्पेलिंग नहीं, हिज्जे करो, हिज्जे करके बताओ अलग अलग। उसके भी पसीने निकालिए, उसको अलाओ इजाजत नहीं है। अगर उसको कवर करना है तो आप मदरसे के जिम्मेदार से पहले मिलिए, परमिशन लीजिए कि सर हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो मदरसे के जिम्मेदार से पूछिए। हमारे बच्चों से पूछना चाहते हैं आप, वहाँ कोई और सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है और आप जाकर पूछ रहे हैं कि भारत का ये देश कब आज़ाद हुआ, हमारे साथ से पूछिए बताएंगे। बच्चा से तो ये कहो कि बेटा सही कुल के पारा का कौन सा पारा, वो तब बताएगा जी दूसरा पारा, वो बताएगा, वो सही कुल का नाम सुनते ही वो बेहोश होकर नहीं गिर जाएगा वो मीडिया वाला। हाँ गवर्नमेंट है, टीम बनाए, जाए मदरसों में, जाइए ढूंढिए, आपसे पहले भी गांधी जी, वो इंदिरा गांधी, उसने दारुलूम देवबंद नदवे का इन सब जगहों का सर्वे करा कि माल मटेरियल कहाँ से आते हैं, कौंटलों अनाज और आटे कहाँ से पकते हैं, बैरे कैफ साजिश है रही है, करो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह सारे प्योर मिलेंगे, एकदम बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, और कोई इल्लीगल काम इन मदारिस में नहीं होते जो तुम्हारे ही यहाँ होते हैं। तुम्हारे बहुत से ऐसे संस्था हैं, तीर तलवार की ट्रेनिंग दी जाती है और दशहरा के मौके से उसको पूजा जाता है, उसके सबसे बड़े प्रमुख के जरिए उसके ऊपर कोई FIR नहीं। हमारे मदारिस पर FIR, पढ़ाने वालों पर FIR, जो 5-6 हज़ार रुपए की तनख्वाह जिनकी होती है और वो चंदा करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती।
इन लोगों के घर पे छापे मारते हो, देखते हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मत भूलना, मैं तो वो जवाब नहीं दूँ एमपी जी का, बोले हम कभी बोलेंगे कि अब हम कहाँ कहाँ नजर आते हैं, हम तुम्हें बताएंगे इंशाल्लाह, भारत के अंदर बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ नजर आते हैं, आसमान से लेकर जमीन पर और फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक इकोनॉमिक में मुसलमान नजर आता है, बल्कि बॉलीवुड में मुसलमान नजर आता है, हॉलीवुड में मुसलमान नजर आता है, संगीत की दुनिया में मुसलमान नजर आएगा, कहां से निकालोगे, आधुनिक दुनिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नजर आएगा जनाब, हर जगह पर मुसलमान है, कहां से निकालोगे, आजादी के मौके पर मुसलमान नजर आएगा, जंग के मैदान में मुसलमान नजर आएगा, एमपी साहब कहां से बायकॉट करोगे, कहां कहां है ये मुसलमान ढूंढो। हम मजबूर कौम नहीं है कि नहीं हम मुसलमान, भारत के अंदर हमारा रेशियो कम हो सकता है एजुकेशन फील्ड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तारीख उठाकर पढ़िए, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में, यानी अब से तकरीबन 600-700 साल पहले। उससे पहले दुनिया में अगर कहीं पर किताब थी हाथ से लिखी हुई 70,000 किताबें, तो बगदाद और फ्रांस और ईरान के अंदर थी, और वो मुसलमान उलमा थे जिन्होंने अपने हाथ से 70,000 किताबें लिखी थी। मैंने इसके ऊपर कई जगह पर बात रखी है कि तालीम के मैदान में सबसे पहले और आगे और नंबर वन कोई कौम थी तो वह कौम मुस्लिम थी, लेकिन आज हम नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? या तो पैसों की कमी आ जाती है, बच्चे नहीं पढ़ा पाते, या फिर वो निज़ाम नहीं है पढ़ाने का। किसी भी कौम को अगर, जो जलील कौम है, अगर इज्जत पाना चाहती है तो उसका एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, बुनियादी एक रास्ता क्या, वो तालीम है। हाँ, फिर दूसरे एतबार से वहां उस मुल्क के सियासी पॉलिसी क्या है, वहां के इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वो बात की बात, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि व्हाट, प्लीज टेल मी एंड योर आइडेंटिटी, प्लीज टेल मी योर अबाउट योर अबाउट योर सेल्फ, नहीं बच्चे बता पाएंगे। छोटा बच्चा, एक बहुत छोटा बच्चा, लखनऊ स्टेशन में जब अभी आ रहे थे यहां घर के लिए, छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा, इंग्लिश में, और आजकल क्या समझते हैं कि जो इंग्लिश में बात कर ले वो क्या है, वाह, इंग्लिश में बात करने वाले को महान समझा जाता है आज की तारीख में। अगर आप इंग्लिश में बोल देंगे तो आपको महान समझेगा कोई कि इंग्लिश में बात कर रहा, हालांकि दुनिया की सबसे खूबसूरत जुबान, बल्कि जन्नतियों की जुबान, अल्लाह की जुबान कोई जुबान है, जन्नती आने जन्नत में जो जुबान होगी, सारे तकरीबन टोटल अंबिया इकराम की कोई जुबान थी, कुरान की जो जुबान है अरबी जुबान, खूबसूरत जुबान, अरबी जुबान में कोई बात करे तो गाली समझेंगे, इंग्लिश में भी बोल दे माय नेम इज फला फला, माय नेम इज अब्दुल्लाह, आई बिलोंग टू जोकीहाट, राइट नाउ आई एम गिविंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड द लॉट्स ऑफ पीपल लिसनिंग टू मी, मुझे सुन रहे हैं, इंग्लिश बोलेंगे, वाह क्या मौलाना इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलना ऑथेंटिक नहीं है, इंग्लिश की वजह से आज इंग्लिश मीडियम है कहीं पे तो वह हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा, नहीं, नॉलेज कितना है आपके पास, आप बंगाल चले जाइए इंग्लिश मीडियम कम है वहां पे, बंगला मीडियम ज्यादा है, साउथ चले जाइए, केरला गया हूं मैं, इंग्लिश मीडियम नहीं होते वहां पर, केरला कन्नड़ तेलुगु वो मीडियम में है, तेलंगाना जाइए आप, आंध्र प्रदेश जाइए आप, महाराष्ट्र जाइए आप, वहां की मादरी, वहां की स्टेट की नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन तालीम देते हैं, इंफॉर्मेशन है बच्चों के पास उनका, अगर आपके पास तालीम है आपके बच्चों के पास, हम खुट्ठा जुबान वाले, कुलैया जुबान वाले, या शेरशाबादी या सुरजापुरी, सीमांचल में यही तीन बिरादरी के लोग हैं ज्यादा, जोकी की तरफ जाएंगे तो खुट्ठा कुलैया
जिनको बोलते हैं, इधर भी आपके यहाँ भी है माशाल्लाह, और कटिहार साइड में जाएंगे, पूर्णिया साइड में जाएंगे तो वहाँ कुछ शेरशाबादी बरादरी के लोग मिलेंगे, और किशनगंज साइड में चले जाएंगे तो सुरजापुरी बरादरी के लोग मिलेंगे। ज़ुबानें अलग अलग है, ज़ुबान किसी की सलाहियत को नहीं बताता, बल्कि कितना इल्म है उसके अंदर, एजुकेशन कितनी, तालीम कितनी है, हम कितना जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। हमारे बच्चों से पूछिए तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा के कितने भाई थे, आप अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी, आप अलैहिस्सलाम की फूफी कितनी थी, आप अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, आप अलैहिस्सलाम के अब्बा का इंतकाल कब हुआ। हमारा बच्चा अपनी ज़ुबान में नहीं बता पाएगा, दूसरे ज़ुबान तो दूर की बात है जनाब, दूसरी ज़ुबान दूर की बात। I am learning a Sanskrit grammar nowadays. आज कल की तारीख में पिछले 1.5-2 महीने से हम संस्कृत ग्रामर को पढ़ रहे हैं, संस्कृत ग्रामर, अरबिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। इंग्लिश का ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट है, संस्कृत ग्रामर और अरबिक ग्रामर तकरीबन तकरीबन मिला जुला है, बहुत तकरीबन तकरीबन मिला जुला। जैसे बोलते हैं हम लोग ये क्या है, मा हाजा, बोल देते हैं मा हाजा ये क्या है संस्कृत में, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है संस्कृत में, इसको बोलते हैं किम एषः, किम एतत्, किम एतत्, एतत् नपुंसक लिंगम वर्ड बोलते हैं इसको, यानी मुखन्नस वर्ड है ये, न मुजक्कर न मुअन्नस, एतत्, एतत्, किम एतत्, ये क्या है, एतत् फलम, ये फ्रूट्स हैं, ये फल है, किम ए शाह ये क्या है, किम ए शाह ये क्या है, ए शाह आ जाएगा इसमें इशारा, महाजा, महाजा ये